अयोध्या पहुंच गई है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की साइड सरकार अयोध्या पहुंच चुकी है, जहां से सीएम विष्णुदेव साय ने अपनी कैबिनेट के साथ ही रामलला के दर्शन किए हैं और इसके बाद साय कैबिनेट हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां पूजा अर्चना की गई। सीएम साय के साथ उनका मंत्रिमंडल सरयू तट पर पहुंचा, वहां भी पूजा की गई। तो ये देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां पर एक तरफ अयोध्या में पूरे कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री पहुंचे और इस दौरान उन्होंने हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन किए, पूजन किए। अयोध्या की लाइफ, अयोध्या की, छत्तीसगढ़ से आए हैं, पूरा मंत्रिमंडल आया है, भगवान राम के ननिहाल प्रदेश से आए हैं और सबसे पहले भगवान राम का दर्शन किए हैं, उनका आशीर्वाद लिए हैं। उसके बाद हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का पूजन अर्चन करके उनका आशीर्वाद लिए हैं और अभी यहाँ सरयू माता का विधिवत पूजन अर्चन किए हैं, उनका आरती किए हैं और सबसे आशीर्वाद मांगे हैं छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए। तो सुना आपने, छत्तीसगढ़ की खुशहाली से के लिए सबसे कामना मांगी गई है और ये सीधे रुख करेंगे संवाददाता निमिष गोस्वामी अयोध्या से और आकाश शुक्ला रायपुर से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो निमिष आपके पास आते हैं, इस वक्त कहां पर आप मौजूद हैं? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूरी कैबिनेट के साथ पहुंचे हुए थे दर्शन करने के लिए। देखिए अभी हम राम जन्मभूमि के वीआईपी गेट पर मौजूद हैं, जहां से अभी कुछ देर पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ रामलला के दरबार में गए थे। माँ कौशल्या की नगरी से आए पूरी साय सरकार ने रामलला के दर्शन में करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त लिया और राम जन्मभूमि परिसर में ही उन्होंने भगवान रामलला का दर्शन पूजन किया। रामलला को छत्तीसगढ़ से लाए हुए विशेष बेर, इसके साथ ही वहाँ के प्रसिद्ध चावल और भगवान को पवित्र नदियों का जल समर्पित किया। इसके अलावा कौशल्या की नगरी से आए छत्तीसगढ़ सरकार ने भगवान रामलला को अपना भांजा मानते हुए पूरा उनके चारों भाइयों को वस्त्र भी भेंट किया है। राम जन्मभूमि परिसर में उनका करीब 1.5 घंटे तक ये लोग रहे, दरमियान रामलला के परिसर में उनका भव्य स्वागत हुआ और अंग वस्त्र भेंट करके रामलला के परिसर में राम मंदिर ट्रस्ट ने उनका स्वागत किया, उनके भोजन की भी व्यवस्था राम जन्मभूमि परिसर में रखी गई। जिसके बाद वो हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां पर हनुमान जी का दर्शन पूजन किया और फिर हनुमानगढ़ी दर्शन के बाद सरयू पर पहुंचे, जहां मंत्रोच्चार के साथ वैदिक विद्वानों की मौजूदगी में माँ सरयू का दुग्धाभिषेक किया, जलाभिषेक किया, षष्ठोपचार पूजन के साथ भगवान की माता रानी की आरती की। अब इस समय साय सरकार पूरी अयोध्या के ही पंचशील होटल में है, जहां से अब कुछ देर विश्राम करने के पश्चात ठीक 5 बजे यहां से एयरपोर्ट के लिए रवाना होगी और एयरपोर्ट से रायपुर के लिए साय सरकार निकल जाएंगे। लेकिन इस दरमियान अयोध्या में साय सरकार पूर्ण रूप से भक्ति में लीन नजर आई, जगह जगह भगवान के नाम के आगे जहाँ वो पाठ कर रहे थे, जहाँ पर वो दर्शन पूजन कर रहे थे, जहाँ आरती कर रहे थे, वहाँ उनके मुंह से भी भगवान का नाम निकल रहा था, मंत्रोच्चार निकल रहा था, खुद स्तुति कर रहे थे। तो जो नज़ारा था आज, वो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ सरकार पूरी भक्ति में लीन थी और भगवान राम के समक्ष श्रद्धा निवेदित कर रहे थे। चूँकि भगवान राम के ननिहाल से लोग आए थे, इसलिए अयोध्या में भी अयोध्या के संतों ने, अयोध्या के जो प्रशासन है उसके साथ राम मंदिर ट्रस्ट ने उनका विशेष स्वागत किया, चाहे फिर वो राम जन्मभूमि परिसर हो, हनुमानगढ़ी का क्षेत्र हो या सरयू का हो, जहाँ पर रामलला के ननिहाल से आए हुए लोगों को बाकायदा ये पहली बार हुआ है कि इतनी बृहद तरीके से षष्ठोपचार पूजन के बाद आरती कराई गई। अमूमन सरयू आरती शाम को होती है और 5 बेदी से प्रतिदिन 21 बेदी से 5 विद्वान करते हैं, लेकिन चूंकि माता कौशल्या की नगरी से लोग आए थे, इसलिए इसी समय उन्होंने दर्शन पूजन किया, भगवान माता रानी की सूक्ष्म आरती की और सरयू का दुग्धाभिषेक जलाभिषेक किया। फिलहाल अयोध्या से सभी लोग पंचशील होटल में गए हैं, जहां पर विश्राम करने के बाद थोड़ी देर में साय सरकार के मंत्री उनके साथ निकलेंगे और महर्षि एयरपोर्ट जाएंगे, जहां से फिर छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। आकाश का भी हम रुख कर लेते हैं रायपुर से जुड़े। आकाश, पूरा कार्यक्रम तय था और इस दौरान बहुत सारी चीजें लेकर गए हैं जो कि रामलला को भेंट किया गया है और इस दौरान देखा गया कि रायपुर में पूरी कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री गए थे दर्शन करने के लिए।
जी बिल्कुल, पूरी कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज दर्शन किया है, लेकिन इसकी प्लानिंग काफ़ी समय से की जा रही थी। विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हुई थी भाजपा की और सरकार बनी तो विष्णुदेव साय सरकार ने, मुख्यमंत्री ने खुद ही कहा था कि रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी जब राम जन्म भूमि में रामलला विराजमान हुए थे, भव्य जश्न मनाया गया था, स्वागत किया गया था, पूजा अर्चना हुई थी, माता कौशल्या की धरती है तो विशेष रूप से पूजा अर्चना भी हुई थी। पूरा भाजपा सरकार आने में एक मुख्य वजह भी राम मंदिर का मुद्दा भी यहां माना जाता है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री की इच्छा थी कि पूरी कैबिनेट को लेकर वो जाए, लेकिन लोकसभा चुनाव की वजह से थोड़ा लेट हो रहा था, लेकिन अंततः समय वो बन गया और भगवान का बुलावा आया पूरी कैबिनेट के साथ। आज गए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वहां दर्शन किए, विधि विधान से पूजा अर्चना की और जाते जाते उन्होंने कहा कि मेरा मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना करना है। राम भगवान राम छत्तीसगढ़ के भांचा है, तो भांचा होने के नाते जो आस्था होती है यहाँ छत्तीसगढ़ में भांचा के लिए एक आदर होता है, तो उसी आदर के साथ, उस आस्था के साथ वो अयोध्या गए, वहाँ पूजा अर्चना की, छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना की और शाम तक के लॉर्ड भी आएंगे, पूरा कैबिनेट और जिस तरीके से हमने सरकार में कुछ मंत्रियों से बात की तो एक उत्साह देखने को मिल रहा है। वाकई में और कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी कि भांचा राम मतलब क्या है, इसका मतलब है भांजा राम, यानी कि जो उनकी माँ है कौशल्या चंदखुरी में उनका मायका कहा जाता है और एकमात्र ये मंदिर है जहाँ पर रामलला विराजमान है अपनी माँ की गोद में बाल स्वरूप में, और इस वजह से छत्तीसगढ़ के लोग उन्हें अपना भांजा यानी कि भांचा मानते हैं। शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ेंगे जहाँ रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने नोटिस भेजा है, रोहित शर्मा और अल्लू अर्जुन को नोटिस भेजा गया है। चैतन्य टेक्नो स्कूल का ब्रांड एम्बेसडर होने पर नोटिस जारी किया गया। चैतन्य टेक्नो स्कूल पर ठगी का आरोप लगाया गया है। बड़ी जानकारी है रायपुर से, जहां पर कांग्रेस लगातार रोहित शर्मा और अल्लू अर्जुन को अब नोटिस जारी किया गया है। चेतन ने टेक्नो स्कूल पर ठगी का मामला सामने आ रहा है और इसके चलते भी इन दोनों पर नोटिस जारी किया गया है। हमने ठगा सा तब महसूस किया जब हमको ये पता चला कि पिछले सत्र में इस स्कूल को ना सीबीएसई की मान्यता थी ना सीजी बोर्ड की मान्यता थी। कुछ दिन पहले जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर के द्वारा इनको नर्सरी से आठवीं की सीजी बोर्ड की मान्यता दी गई, जबकि यहाँ पिछले साल कक्षा आठवीं के बच्चे नौवीं गए हैं और नौवीं के बच्चे दसवीं चले गए हैं। इतने बड़े बड़े स्टार के, चाहे रोहित शर्मा हो चाहे अल्लू अर्जुन हो, ऐसे लोगों के परिवार के साथ जुड़ के हम अपने आप को ठगा सा महसूस किए हैं। मैंने अपने वकील के द्वारा इन दोनों महान हस्तियों को लीगल नोटिस भेजा है और मेरी उम्मीद है कि जल्द ये मेरे लीगल नोटिस का जवाब देंगे, नहीं तो फिर इनको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तो देखा आपने, यहाँ पर चैतन्य टेक्नो स्कूल पर ठगी का आरोप लगा और इसके चलते इन दोनों ही कलाकारों को, अब एक खिलाड़ी हैं और एक कलाकार हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है। और सीधे रुख करेंगे, ममता लांजपा जुड़ गई हैं। अब ममता, नोटिस जारी किया गया, देखा यह जा रहा है कि रोहित शर्मा अल्लू अर्जुन जो कि ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका में रहे हैं और इन्हें अब कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने नोटिस भेजा है। बिल्कुल, देखिए अमूमन हम देखते हैं कि जो स्कूल होते हैं खासतौर पे आकर्षक विज्ञापन होते हैं और कई बार जो है बड़े जो सेलिब्रिटी चेहरे हैं वो उनका विज्ञापन करते हैं या उनकी जो होर्डिंग्स होती हैं स्कूलों की, जो विज्ञापन के जो होर्डिंग्स होते हैं उसमें इन लोगों की तस्वीरें लगी होती हैं, फ़ोटो लगे होते हैं और ये इस तरह इसके ज़रिए आश्वस्त किया जाता है कि कितनी जो क्रेडिबिलिटी है वो स्कूल की है और बहुत सारे दावे किए जाते हैं। विकास तिवारी का कहना है कि CBSE मान्यता प्राप्त बताया गया था, उन्होंने अपने बच्चों का भी एडमिशन करवाया, उसके साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ में भी लोग एडमिशन लेते हैं और कई जगह इसके ब्रांचेस जो है वो खुले हुए हैं, तो इस लेकिन वहाँ पर पता चला कि उसको CBSE की मान्यता नहीं है। इसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव भी कई बार NSUI ने किया था और उसके खिलाफ हालांकि कंप्लेन भी हुई थी इस जो प्रदर्शन है उसके खिलाफ, लेकिन अब अगर हम बात करें तो इस बात को लेकर भी उनका कहना है कि पेरेंट्स परेशान हैं और इस तरह के विज्ञापन जब सेलिब्रिटीज़ करते हैं तो उनको जान लेना चाहिए कि कैसे स्कूलों का वो प्रमोट कर रहे हैं
है, क्या वो जिन तमाम तरह की निर्धारित मान्यताएं हैं उसको पूरा करते हैं जिसका वो दावा करते हैं, और ऐसे में लोग सेलिब्रिटीज का चेहरा देख करके, उनके विज्ञापन देख करके जो है अपने बच्चों का एडमिशन करवा देते हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और बाद में ये स्थिति होती है कि उनके पास गुहार लगाने के लिए कुछ नहीं होता है। और इसी को लेकर उनका कहना था कि चूंकि उन्होंने भी अपने बच्चों का एडमिशन कराया, 2 करोड़ का जो है वो मुकदमानहानि का सॉरी नोटिस भेजा है उन्होंने, उनका कहना है कि इससे उनको मानसिक रूप से क्षति हुई है, आर्थिक रूप से क्षति हुई है, और इसका जो है वो कानूनी तौर पर वो लड़ाई लड़ेंगे। अब इसमें इस मसले पर देखना होगा कि अल्लू अर्जुन की तरफ या रोहित शर्मा के जो वकील हैं वो किस तरह का जवाब देते हैं। लेकिन बात सिर्फ स्कूल की नहीं है, कई निजी कॉलेजेस में हम देखते हैं और इस तरह के सेलिब्रिटीज के विज्ञापन के जरिए जो है लोगों को एक भरोसा बैठ जाता है कि अगर इतने बड़े बड़े लोग जुड़े हैं तो रिप्लाई उनका आता है। बहुत शुक्रिया आपका ममता तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे जहां रायपुर में फायरिंग से सनसनी का मामला सामने आ रहा है। कोयला कारोबारी के ऑफिस में गोली चल गई। झारखंड के अमन साहू गैंग ने गोली चलाई है। सीसीटीवी में कैद हुए आरोपी, जहां आरोपियों को पकड़ने के लिए पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी गई है। उद्योग भवन तेलीबांधा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर रायपुर से है जहां पर फायरिंग से सनसनी फैली। कोयला कारोबारी के ऑफिस में गोली चली। झारखंड के अमन साहू गैंग ने चलाई है गोली। सीसीटीवी में आरोपी कैद हुए, आरोपियों को पकड़ने के लिए पूरे शहर में नाकाबंदी की गई है। एक अभी फायरिंग की घटना अभी सामने आई है। अभी कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने एक फायरिंग की घटना होने से पहले अपराधियों को पकड़ा था। ये झारखंड के अपराधी हैं और ये मैं आपको बताऊं, इसमें अमन साहू जो गैंग है, लगभग 90 मामले उसके खिलाफ झारखंड में फायरिंग और अन्य लोगों के खिलाफ उसके गैंग के मेंबर के खिलाफ है। ये मामले में भी अभी हम लोग नाकाबंदी कर रहे हैं और जल्दी ही इस मामले की तह में भी हम लोग जाएंगे। इसमें एक सीसीटीवी फुटेज भी आया है, ऐसे अपराधियों की हम लोग पहचान भी करें। कोरबा में कबाड़ के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसा गया। 3 कबाड़ियों से 60 टन कबाड़ भी जब्त किया गया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। कबाड़ की आड़ में चल रहा था अवैध कारोबार। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कोरबा से, जहां कबाड़ के अवैध कारोबार पर कसा शिकंजा। 3 कबाड़ियों से 60 टन कबाड़ भी जब्त किया गया है। तीन वाहन भी जब्त किए गए हैं। इस कबाड़ की जो कुल वैल्यू है वो लगभग 17 लाख रुपए आती जा रही है। इसके अंदर जिन कबाड़ियों के ऊपर कार्रवाई की गई है उसमें सर्वप्रथम मुकेश साहू बरबट्टी जो कि राताखार के हैं, इनके ऊपर 102 के अंदर भी कार्रवाई की गई है, और 379 जो कि अब चेंज हो गया है चोरी के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। और सीधे रुख करेंगे संवाददाता कोरबा से, अब्दुल असलम जुड़ गए हैं। अब्दुल असलम, क्या कुछ एक्शन लिया गया? अवैध कारोबार पर शिकंजा कसा गया है और बड़ी मात्रा में जो कबाड़ का सामान है वो भी जब्त किया गया। जी, आपको बता दूं कि कोरबा पुलिस द्वारा लगातार अवैध कारोबार पर इस तरीके से नकेल कसते हुए कार्रवाई की जा रही है, और ये अवैध कबाड़ का जो धंधा करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ भी एक बार फिर कार्रवाई की है, जिसमें 3 कबाड़ियों पर कार्रवाई करते हुए ये 3 वाहन जब्त किया है और 7 टन कबाड़ जो है वो बरामद किया है, जिसमें कुल 17 लाख का जो है ये कबाड़ जो है और वाहन है वो बरामद कर कार्रवाई कर जांच कर रही है पुलिस। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बिलासपुर में बदला मौसम का मिजाज, जहां तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई है। बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया, गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तो खबर आपको बिलासपुर से दे रहे हैं जहां पर मौसम का मिजाज बदला, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई है। बारिश की वजह से मौसम काफी सुहाना हो गया, गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। और चलिए अब देखेंगे